स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप फंडामेंटल से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और उस टॉपिक के अंदर बताया जाने वाला है पास्ट एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। जी हाँ, जो घटनाएं पास्ट में घट चुकी हैं और उनमें से कुछ गलतियां रह गई हैं, उन्हें सुधारा कैसे जाएगा, आज हम ये सीखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट, या फिर हम कह सकते हैं हम सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। जो खाते बंद हो गए 31 मार्च लास्ट ईयर बंद हो गए, उनमें कोई त्रुटि रह गई तो उसके लिए सुधार की गुंजाइश क्या है, सुधार का तरीका क्या है, या हम सीखने वाले हैं मॉडर्न नेम से टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के बारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ और फिर मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाऊंगा इसमें, जिसमें पिछली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। प्यारे बच्चों, मेरे पास ए बी सी डी चार पार्टनर हैं, लाभ हानि रेशियो दिया नहीं है। अगर दिया ना हो तो लाभ हानि रेशियो क्या होता है, इन चारों का इक्वल होता है। ए बी सी डी चार पार्टनर है, लाभ हानि रेशियो इनका क्या होगा, नहीं दिया तो वो क्या होगा, इक्वल। ए ने 1 अप्रैल 2018 को जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 50,000 की, बी ने लगाई है 30,000 की, सी ने लगाई है 25,000 की, और डी ने लगाई है 15,000 की। और इनको साल में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सब ये बांट लेते हैं। प्यारे बच्चों, अकाउंट्स क्लोज हो गए, कब क्लोज होंगे, 31 मार्च 2019 को अकाउंट्स क्लोज हो गए, और उस अकाउंट क्लोज होने के बाद हमें अपनी एक गलती का एहसास हुआ, और वो गलती ये थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना हम भूल गए थे, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गया, हम भूल गए हैं, ये हमारी गलती है। 10% पर एनम के हिसाब से लगाना था, क्योंकि ये बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा, और ये बहुत बड़ी भारी हम गलती कर चुके हैं। जो लाभ हमारे पिछले साल गए थे वो हमने पार्टनर्स के अंदर बांट दिए हैं, इसी गलती को सुधारना है मेरे बच्चों। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाना था, देना था हमने उनको, उनके कैपिटल अकाउंट क्या होने थे, क्रेडिट होने थे। जब भी हम पार्टनर को कुछ देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट। चलिए इस रकम को देखते हैं, ए को कितना देना होगा, ए की कैपिटल थी 50,000, तो इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल कितना बनता है, एज कैपिटल 50,000 का 10%, मेरे बच्चों ये बन जाता है 5,000 रुपये। आगे इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, ये भी भूले हैं, 30,000 का 10%, ये बन जाता है बच्चों 3,000 रुपये। आगे है इंटरेस्ट ऑन सी कैपिटल, आपको पता है जब सी कैपिटल 25,000 रुपये है, 10% के हिसाब से कितना बनता है 2,500, और डी का है इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 की कैपिटल पे 10% 1,500। अब ये चीज हम देना भूल गए हैं, और ये चीज हम अब देंगे, अगर देंगे तो मैंने एक टेबल बनाई जिसमें ए बी सी डी चारों पार्टनर हैं, और इनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को देना था, ए के अकाउंट में क्रेडिट करना था, वो था 5,000 रुपये, बी के अकाउंट में क्रेडिट करना था वो 3,000 रुपये, सी के अकाउंट में क्रेडिट करना था 2,500 रुपये, और डी के अकाउंट में क्रेडिट करना था 1,500। कुल मिलाकर कितने की गलती हमसे हो गई, कितने हमने ट्रांसफर नहीं किए ए बी सी डी में, 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12,000 रुपये की गलती हमसे हो गई, टोटल इनका 12,000। इतनी रकम हमने इस तरह से ए बी सी डी को देनी थी, और अगर ये नहीं किया तो ये जो 12,000 की अमाउंट आई है जो हमने इस तरह से बांटनी थी, इस 12,000 की गलती को या इस 12,000 के लाभ को हमने कैसे बांटा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनके तब दिया, ऐसा दिया होगा, यानी कि ये 12,000 हमने बांटे नहीं है, लेकिन ये 12,000 इस प्रपोर्शन में बांटने थे, परंतु ऐसा बांट नहीं पाए हम, हमसे गलती ये होगी कि 12,000 ये ऑलरेडी बढ़ चुके हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी बटा है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है
वो हुआ है इन चारों में 1:1:1:1 में। एक काम करते हैं, जो ऑलरेडी दे दिया गया है क्रेडिट, अब उसको अपन लेते हैं डेबिट। जब हमने पहले पिछले साल बांट दिया उनको गलती के कारण, वो उनके खाते में क्रेडिट हुआ है उस समय, अब इसको कर लेते हैं डेबिट, फिर एडजस्टमेंट हो जाएगी दोनों में कितना लेना है कितना देना है। 12,000 को अगर मैं 1:1:1:1 में बांटूं तो वो हो जाता है 3,000 इक्वल सबको। लो जी, मैं ये 12,000 देना चाहता हूँ इस वे में, ए को 5 देना चाहता हूँ, लेकिन पिछले साल ए को लाभ कितने दे दिए मैंने 3 के, तो अगर मैं एडजस्टमेंट करूँ, ठीक है मेरे बच्चों, ये नीचे वाला रफ कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं आप एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहूँगा। चलिए हमको क्रेडिट करना चाहते हैं, 12,000 यहाँ उनसे उनसे उल्टे लेते हैं, उल्टे लेने नहीं है, डेबिट कर देंगे ताकि ये वापस आए। हमने ए को 5,000 देने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, लेकिन 3,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं जिसे हम अब डेबिट कर रहे हैं, तो नेट मिला के ए को भी कितने देने हैं, क्रेडिट के 5,000 है, डेबिट के 3,000 है, एडजस्टमेंट करोगे तो क्रेडिट के 2,000 है, अर्थात ए को अभी भी कितने देने हैं 2,000, 3,000 तो लाभ हो गए पहुंच चुके हैं। बी को देने कितने हैं 3,000 रुपये क्रेडिट करने हैं, डेबिट भी कितने हुए हैं ऐसे गए भी कितने हैं 3,000 रुपये, तो इसको कुछ भी नहीं देना, इसकी कोई ना लेना ना देना, ये बराबर है। सी को हमने देने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2,500, लेकिन इसे घर कितने पहुंचे हैं, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इसको कितने हो चुके हैं 3,000, तो इससे 5,000 रुपये क्या कर लेंगे, किसका बैलेंस बड़ा है, डेबिट का बैलेंस बड़ा है, क्रेडिट का बैलेंस छोटा है, तो जिसका बैलेंस बड़ा होता है वही आ जाता है डेबिट, सी को डेबिट कर देंगे। सी को डेबिट करने का मतलब है इससे 500 रुपये लिए जाएंगे, ये लेकर आएगा। अब डी को देने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 1,500, लेकिन इसके घर पहुंचे लाभों के रूप में 3,000, तो ये डेबिट के लाभ है, तो इसका बैलेंस आएगा 1,500 रुपए से डेबिट। मेरे बच्चों, जिसको देना है उसे क्रेडिट करते हैं, जिसको 5,000 रुपए देने थे क्रेडिट, या फिर ये भी याद मतलब किसको देना है उसको क्या करना है, आप बैलेंस देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट था और चलिए ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो डेबिट है, इन दोनों में किसका है बैलेंस बढ़ा, 5,000 का बैलेंस बढ़ा है तो क्रेडिट आ गया, इस पे किसका बैलेंस बढ़ा डेबिट का, तो ये डेबिट आ गया, इन दोनों में किसका बैलेंस बढ़ा है डेबिट का, तो डेबिट आ गया। अब जिन्हें डेबिट करना है उन्हें लिखो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिनके अकाउंट में डेबिट करने जा रहा हूं उनके यहां से तो पैसा लिया गया है या एडजस्ट किया जा रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट सीज लेने हैं 500 रुपए, डीज कैपिटल अकाउंट डीज लेने हैं 1,500 रुपए, लेकिन ये सब दिए किसको जाएंगे ए को, क्योंकि ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। मेरे बच्चों को दिक्कत महसूस करो तो वाया कॉल मुझसे समझ सकते हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भूल चूक हुई है वो हम देखते हैं कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट की जानी है, जो प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ जाते हैं उन्हें फिर डेबिट कर दिया जाता है, इससे एक एडजस्टमेंट एंट्री निकलती है जिससे पिछले पूरे प्रभाव को हम खत्म कर देते हैं। अब हम सी से मंगा लेंगे, डी से मंगा लेंगे, ए को दे देंगे, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है इस पूरे प्रभाव को समाप्त करती है, इस पूरी भूल चूक को ठीक करती है।